दोस्तों कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो तो उसकी सोचने की शक्ति को मार दो, मतलब उसको कुछ सोचने ही मत दो। उसको बड़ा सोचने के लिए, जो हमेशा वो तत्पर रहता है आगे बढ़ने के लिए, उसकी उस इच्छा शक्ति, उस सोच को मार दो तो इंसान अपने आप में बर्बाद हो जाता है। और कोई भी बर्बाद व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ नहीं, अगर वो अच्छा सोचना शुरू कर दे, बड़ा सोचना शुरू कर दे, जीवन में कुछ करने के लिए एक लक्ष्य तय कर ले, तो उसकी जिंदगी बन जाती है। ये सोच आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकती है। एक रंथ को राजा बना सकती है, राजा को रंथ बना सकती है, और साथ ही बिल्कुल कमजोर से व्यक्ति को पहलवान बना सकती है और पहलवान को कमजोर बना सकती है। सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति का कमाल है। सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वही आपकी सोच पर निर्भर करती है। दोस्तों आप हारोगे या आप जीतोगे, आप मूकी खाओगे या आपका उन सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा जाएगा उन्हीं विद्वानों में, ये सब निर्णय करेगी आपकी एक छोटी सी सोच। आप क्या सोचते हो यही आपके कल को बनाता है। अच्छा सोचिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सोचिए। रात को जब आप सोते हो तो एक सोच के साथ आपको सोना है कि मैं क्या करने वाला हूँ नया अपनी जिंदगी में, और जब आप सुबह उठो तो उसी एक सोच, उसी एक पॉजिटिव, जो आपके क्रिएटिव माइंड में चल रही है कोई नई नई बातें, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैं छोटी सी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब किया करता था। अपनी जॉब से कुछ हद तक वो सेटिस्फाई भी था क्योंकि ठीक ठाक उसको सैलरी मिला करती थी, पर वो हमेशा से ही उसके दिल में एक सपना था कि मैं अपना कहीं एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलूंगा, अपना एक होटल खोलूंगा जहां लोगों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा, और एक वक्त के बाद मेरा भी KFC जैसा एक नाम ब्रांड बन जाएगा, डोमिनोज जैसा मेरा ब्रांड बन जाएगा, या फिर मैकडी जैसा नाम बनेगा, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। कुछ वक्त के बाद सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी वो नौकरी छोड़ देता है और एक बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खोल देता है। सोचता है मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ और मैं वो सब चीजें जानता हूँ जो कि एक शेफ को पता होनी चाहिए, तो मेरा रेस्टोरेंट बहुत ही नाम से, जोरों शोरों से चलेगा। पर हर वो चीज, दोस्तों लोगों को क्या चाहिए आपको ये देखना होगा, लोग आपसे क्या चाहते हैं। अगर लोगों की वाहवाही आपको लूटनी है तो लोगों के अनुसार ही चलना होगा। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य नीति बोलती है कि बेवकूफ के सामने अकलमंदी की बात करना और अकलमंद के सामने बेवकूफी की बात करना दोनों ही गलत है। वो क्या करता है, उसकी दुकान चल नहीं रही होती है, बहुत दिन हो जाते हैं, बोनी तक उसकी ठीक से नहीं होती है। अपनी वाइफ से डिस्कस करता है क्यों ना रेस्टोरेंट बंद कर दो, पर उसकी वाइफ बोलती है रेस्टोरेंट बंद करने से अच्छा है, चलो जब हम बंद कर ही रहे हैं तो लोगों को भी हम कुछ बोल देते हैं। वो अपना भार का, अपने ब्रांड का, जो उसने अपने नाम को ब्रांड बनाने की सोचा था, उसका बोर्ड हटाकर सिर्फ इतनी बात लिख देता है कि भूखे मरने से अच्छा है चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं। सिर्फ इतना सा वो लिखता है अपनी दुकान के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, अपने उस होटल के बाहर, और वहां लाइन लगनी दोस्तों शुरू हो जाती है कि ऐसा लिखा क्या है। और वो अपने होटल्स पे होटल, रेस्टोरेंट के रेस्टोरेंट खोलना शुरू कर देता है अलग अलग सिटीज में, वो इतना फेमस हो जाता है। सिर्फ क्रिएटिव माइंड, जो आपका क्रिएटिव माइंड है, आप थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे अपने जीवन में और जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है आपका पहनावा बदलने से कुछ जिंदगी बदल जाए, हो सकता है अच्छे लोगों के साथ में बैठने से आपकी जिंदगी बदल जाए, हो सकता है गाड़ी को बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाए, या जहां आप रहते हो उस लोकेशन को बदलने से ही आपकी जिंदगी में कुछ किसी तरह का बदलाव आ जाए। अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी है, गलत लोगों की संगति आपको भी गलत कर देगी और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये आपको याद रखना चाहिए। जो भी कुछ आप सोचते हो वही आपके साथ होता है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, गलत सोचोगे गलत होगा। कुछ चोरों के साथ में आप 10-15-20 दिन अपने व्यतीत करो, 21वें दिन आपको भी चोरी करने की जो तलब होती है वो आपको नजर आएगी। इसी तरह से आप एक महीना शराबियों के साथ बैठ जाओ तो एक महीने के बाद आप किसी न किसी दिन एक बियर का ग्लास उठाकर गटक जरूर जाओगे। तो बेहतर है अपनी सोच को, संगति को आपको सही रखना है अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वरना आपकी सोच मर जाएगी जो आप बड़ा सोचते हैं, और जिस दिन वो सोच खत्म हो गई उस दिन आप भी पतन की ओर चले जाओगे। दोस्तों आप अपने जीवन में हर वो चीज कर सकते हो, हर उस चीज को हासिल कर सकते हो जो कुछ आप सोच सकते हो। उस सोच से भी ज्यादा आप हासिल कर पाओगे अगर आप उससे और कुछ बेहतर सोच पाए, और हर वो चीज आप इस दुनिया में सोच सकते हो जो अभी तक किसी ने सोची नहीं। इस दुनिया में जितने भी महान आइडियाज आए हैं, जितने भी क्रिएटिव आइडियाज आए हैं, वो सिर्फ एक सोच की बदौलत आए हैं, क्योंकि किसी इंसान ने कुछ नया सोचा, कुछ अलग सोचा। और जब आप कुछ अलग सोचते हैं, थोड़ी सी परेशानियां तो आपके जीवन में आएगी ही। सबसे पहले
क्रिटिसिज्म का शिकार बन जाओगे अपनी फैमिली के द्वारा, अपनी फैमिली से क्रिटिसाइज किए जाओगे और आपको उस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपने उस सोच के लिए जो आपने नया सोचा है उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए काम करो, जितना ज्यादा हो सके अपनी पूरी जिंदगी को भी दांव पर लगाना सके उस एक प्रोडक्ट के लिए लगा देना चाहिए। दोस्तों वक्त लगता है किसी चीज को महान बनने में, पर उस महान बनने के बीच का जो संघर्ष है, जो रास्ता आपको तय करना है, वो आप अकेले ही तय करोगे। अकेलापन पावर क्यों है, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, और साइलेंट क्यों रहना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। वो वीडियो आप देखोगे तो आपको उससे और मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों आज के जीवन में या आज के युग में, आज के काल में लोगों को साधारण कुछ भी पसंद नहीं। जिस भी काम में कुछ अलग से किया जा रहा होगा लोग उसकी तरफ ही भागना शुरू कर देंगे। जैसे कि लोगों को पान में आग पसंद है, मतलब पान में आग लगा तो हम खाएंगे। मोमोज फ्राई करके खाना पसंद है, उसी तरह पिज्जा सॉस के साथ खाना पसंद है। जहां से पिज्जा इजाद हुआ वहां लोग सॉस के साथ खाते तक नहीं, पर वहां पर जिस तरह से लोगों को उसका टेस्ट मिला उस तरह से लोगों ने खाना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी बदलने के लिए आपको लोगों को देखकर अपने आप को बदलना है तो आप कुछ वक्त के लिए बदल सकते हो, सिर्फ उनकी वाहवाही लूट सकते हो, सिर्फ आप उनकी तारीफ का एक पात्र बन सकते हो, पर किसी भी तरह से जीवन में महान नहीं बन सकते। महान वही लोग बनते हैं जिनकी सोच अलग होती है, महान वही लोग बनते हैं जिनकी क्रिएटिव सोच होती है, महान वही लोग बनते हैं जो चैलेंजेस को लेना जानते हैं, चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं, किस तरह से उन चैलेंजेस का अपने जीवन में सही प्रयोग करना है, सही उपयोग करना है उसे जानते हैं। आपको जीवन में संघर्ष करना होगा और सिचुएशंस में भी पॉजिटिव माइंड की तरह ही काम करना होगा, और एक दिन वो आएगा जब आप इस दुनिया की भीड़ से बहुत अलग खड़े नजर आओगे और जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया होगा। क्रिएटिव बनिए, जितना हो सके अपनी सोच को क्रिएटिव बनाइए, जितना हो सके अपने काम को और क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कीजिए, और जितना हो सके फालतू के लोगों से बिल्कुल दूर रहिए।